वही बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, सीधा आपको वहां ले चलते हैं। चलिए, उसको आपको सीधे तौर पे ठेका दीजिए। देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के बीच में सब जुडिस है। न्यायालय का किसी भी तरह का कोई निर्देश प्राप्त नहीं है और आप और हम एक जिम्मेवार पत्रकार और जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बात को जानते हैं कि जब मामला सब जुडिस होता है वैसे विषय पर अपने वक्तव्य को रखना, अपनी बातों को रखना उचित नहीं है। फिर भी आप 20,000 करोड़ रुपए का जो आया है रिपोर्ट, आप ही लोगों के माध्यम से आप लोग देखने का काम कीजिए कि 20,000 करोड़ रुपए में 14,000 करोड़ रुपए ये इंडी एलायंस के लोगों के पास कहीं ना कहीं चंदा के रूप में गया है। अब बताइए, 19 करोड़ के सदस्यता वाला यह विशाल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके विश्व में सबसे अधिक सदस्य हैं, उस पार्टी के पाले में मात्र 6,000 करोड़ रुपया आया, आप उस पर छाती पीट रहे हो। और आपका जो संख्या है 200 सांसदों के आसपास संख्या है, आप 14,000 करोड़ रुपया वैसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लेते हो, तो नैतिकता के आधार पर आपको बोलने का हक नहीं है और हमारे राजेश ठाकुर जी को भी बोलने का हक नहीं है। नहीं, देखिए, हम लोग को जो जानकारी है इनकम टैक्स ने जो उनको पेनाल्टी लगाया है वो 135 करोड़, 105 करोड़ का पेनाल्टी था, इंटरेस्ट उन्होंने नहीं चुकाया, वो इंटरेस्ट जोड़ करके 135 करोड़ रुपया हुआ है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपया ये लोगों ने पेमेंट भी किया है। ये 2021 लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।